देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के जीरापुर में विगत 20 वर्षों से चली आ रही मांग का निस्तारण किए जाने को लेकर पटवारी कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं और पटवारियों का धरना प्रदर्शन विगत कई दिनों से अनवरत जारी है। प्रदेश के समस्त जिलों के साथ साथ राजगढ़ जिले के पटवारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शामिल हैं, जिससे राजस्व संबंधी कामकाज पर इसका पूरी तरह से असर देखा जा रहा है। लोगों को अपनी जमीन संबंधी काम कराने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सभी पटवारी लगातार अपनी वर्षों पुरानी लंबित मांगों के साथ हड़ताल पर डटे हुए हैं। प्रमुख मांगों में 2800 ग्रेड बी की मुख्य मांग के साथ अन्य मांगों को शासन के समक्ष कई बार रखा गया, बावजूद इसके शासन पटवारियों की मांगों को निराकरण करने संबंधी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही है। वही संघ का कहना है कि 20 वर्षों से लगातार सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। पटवारियों की जारी कलमबंद हड़ताल से लोगों के नामांतरण से लेकर जमीन संबंधी अन्य कार्यों पर इसका सर्वाधिक असर पड़ रहा है। लोग अपने कार्य कराने के लिए इधर उधर भटकते देखे जा रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल के चलते राजस्व जाति व मूल निवासी प्रमाण पत्र सहित शासन प्रशासन की जन्मतिथि योजना के कामकाज नामांतरण से लेकर खसरा एवं अन्य सरकारी योजनाओं का काम पूरी तरह से प्रभावित। पटवारी संघ द्वारा कई बार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। विगत 2007 में पटवारी के समक्ष मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि पटवारी की सैलरी बहुत कम है, इसे बढ़ाई जाएगी। इसके बाद भी सरकार ने पटवारी की मांगों पर कोई अमल नहीं किया गया है। हड़ताल में प्रमुख रूप से अध्यक्ष विजय सिंह मंडलोई, उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह दांगी, प्रदीप जोशी, सचिन के योगेश पाटीदार, जिला प्रवक्ता दिवेश बैराकी, रामरतन तोमर वर्मा, जगदीश चौहान, सुनील वर्मा, विष्णु दांगी, ओम सोनी, रामनारायण चौहान, ज्ञान सिंह अहिरावर, राजेंद्र डांगी, बद्रीलाल मालवीय, सरिता पुरोहित, सुनीता भावसार आदि मौजूद रहे। देखिए जगत न्यूज 24 मध्य प्रदेश से मुकेश बैरागी की रिपोर्ट। मेरा विजय सिंह नाम है और पटवारी हूँ और हम पिछले 25 वर्षों से अपने वेतन मान संबंधी मांग के लिए बार बार हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन शासन ने आज तक हमारी बात नहीं मानी। और इसके साथ ही मकान भाड़ा और यात्रा भत्ता सब नाम मात्र का दिया जा रहा है। इसकी वजह से पटवारियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही हमारा पे ग्रेड 2100 है, जबकि शासन के नियमानुसार जो पहले पे ग्रेड था जो 2100 2400 2800 तो 2400 खाली हो गया, इससे ऊपर आरए को कर दिया और हम आज भी 2100 पे ग्रेड पे काम कर रहे हैं। ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तब तक हम हड़ताल जारी रखेंगे। मतलब क्षेत्र में कोई कार्य नहीं करेंगे? बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करेंगे।